तो थैंक गॉड मूवी आ चुकी है और आज की वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, क्या इस मूवी को देखना वर्थ इट है। सो इस चीज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बाकी बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट। मूवी की स्टोरी अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो तुमको ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगी कि मूवी की क्या स्टोरी है। बेसिकली एक नॉर्मल सा प्लॉट है जिसमें हमारा सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की स्टोरी उनके कैरेक्टर को ही फॉलो करती है। और क्या स्टोरी है कि अपना इन दोनों की लाइफ एकदम बढ़िया चलती रहती है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके मतलब बेसिकली उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद वो सीधा पहुंच जाते हैं चित्रगुप्त के पास, यानी कि अपने अजय देवगन सर के पास। और वहां पर जाने के बाद उनका डिसाइड होता है कि उनको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। पाप और पुण्य गिने जाते हैं कि इन्हें कितने पाप किए और कितने पुण्य किए, जहाँ पर उनका पाप वाला मीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। सो मूवी एक अगर मैं सच बताऊँ तो एक एवरेज सी मूवी है। वहीं पर तुमको उसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, जो क्या कहते हैं वहाँ पर उनको जो गेम शो वाली टाइप बात हुई है, सो उसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। वहाँ पर जाकर उनके एक गेम चलता है एंड देन उसमें उनको पता चलता है कि उसमें उनको सेकंड चांस मिलना चाहिए या नहीं, और अगर इस बंदे को हम सेकंड चांस देते हैं तो क्या ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। तो मूवी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हाँ, अगर हम बात करें इसके थोड़े से VFX की, तो VFX ठीक ठाक है, बट इसकी थोड़ी सी यार हमें क्या कहते हैं इसकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो कहीं कहीं पर उतनी अच्छी नहीं है और कहीं कहीं पर बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल ले लो, अगर इसके कोई नंबर वन मूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें क्रिंज जोक्स भर भर के थे, ऐसे ही इस मूवी में है, जो कि कहीं कहीं पर अच्छे लगेंगे, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और वहीं पर हम इसकी बात करें तो इसमें थोड़े से दो तीन सीन ऐसे भी हैं जो कि तुम अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बट ओवरऑल अगर मूवी की बात की जाए तो तुम इसको थिएटर में बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। स्पेशली फेस्टिव सीजन का मौका है तो थिएटर में जाकर के तुम इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। एक फैमिली एंटरटेनर है, और सही में बात करो तो इसमें जो मनी के सॉन्ग है वो भाई जब तुम थिएटर से सुन के निकलोगे तो तुम्हारा दिमाग में वही सॉन्ग चलता रहेगा। स्पेशली मैं डायरेक्टर की तारीफ करूँ कि उन्होंने जो उस सॉन्ग को जिस जगह पर प्लेस किया है वो एकदम उस सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। सो भाई ओवरऑल अगर मूवी की बात करूँ तो ओवरऑल मूवी वर्थ इट है देखने के लिए। अगर तुम एक फैमिली एंटरटेनर मूवी पसंद करते हो जिसमें क्रिंज जोक्स अगर हो तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी और मूवी तुम लोग को जरूर देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो ये मूवी है। सो बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।